अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी बायोलॉजी पार्ट वन लेक्चर नंबर टू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बायोलॉजी का तारफ और कुछ सिंपल इसकी ब्रांचेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे मॉडर्न ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनिज्म की, उसके बाद इन्वायरमेंटल है, माइक्रो बायोलॉजी है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, मरीन बायोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, ह्यूमन बायोलॉजी है, सोशल बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूल के अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं, यानी एक सेल है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं, वो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। इनके अलावा हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसके सेल की स्टडी करते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी इन सब चीजों की हम स्टडी करते हैं। कौन से लेवल पे जाकर मॉलिक्यूलर लेवल पर, चाहे वो सेल है उसकी भी स्टडी हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे करनी है, टिश्यू है उसकी भी स्टडी हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे करनी है, ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी भी हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे करनी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल में हमारा क्या होता है, इंटरेक्शन होता है एनवायरमेंट के साथ, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड इट्स एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। यानी और किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके माहौल के साथ जो ताल्लुक होता है, जो रिलेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जैसे कि आप देखें कि एनवायरमेंट के अंदर टू फैक्टर होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होता है और एक एबायोटिक फैक्टर होता है। बायोटिक के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसा कि रेप्टाइल, एम्फीबियंस, होमो सैपियंस, इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स होती है जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, उसके अंदर एयर आती है, वाटर और सॉइल। तो अब जब हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं इन्वायरमेंट से, तो हमारा एक बायोटिक साथ एक रिलेशन कायम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारे पास माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल, जिसमें हम छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आ सकते। उसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और कुछ एल्जी, फंजाई, इस किस्म के प्लांट्स, इसकी हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर माइक्रो बायोलॉजी के अंदर। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ दैट वी कैन नॉट सी विद आवर आई एंड वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दिस इज कॉल्ड माइक्रो बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में कौन सी स्पीशीज आती हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, जैसा कि इसके अंदर फ्रेश वाटर में आते हैं लिवर, रिवर, लेक्स, ये क्या है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी में आती है। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ दैट स्पीशीज दैट प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। दिस इज कॉल्ड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास मैरीन वाटर। मैरीन का मतलब होता है कोई भी ब्रैकिश, जैसा कि ओशन का पानी होता है इस तरह वो ब्रैकिश हो जाता है या उसका कलर चेंज होता है, साल्टी होता है। द स्पीशीज दैट प्रेजेंट इन मैरीन वाटर, दिस इज कॉल्ड मैरीन वाटर बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी वर्ड पैरासाइट से निकला है, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, किसकी स्टडी, पैरासाइट की स्टडी। पैरासाइट की स्टडी पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। तो पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म पर, पैरासाइट ऐसे होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म से खुराक भी लेते हैं, उधर से जगह भी लेते हैं और बदले में उसको क्या पहुंचा रहे होते हैं, नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ठीक, उधर से शेल्टर, शेल्टर होता है रहने की जगह, शेल्टर होता है, उधर से फिर होस्ट लेते हैं उसको, वो जहाँ से वो खुराक लेते हैं उसको कहते हैं मूड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ से वो रहने की जगह लेते हैं उसको कहते हैं मूड ऑफ ट्रांसमिशन, वो आता है पैरासाइट के अंदर। ह्यूमन बायोलॉजी, अब देखिए हम सारा
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सब डेफिनेशन की सब ब्रांचेस की डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन बायोलॉजी उन्होंने एक अलग से दे दिया, इसमें उन्होंने ये बताया कि स्टडी ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी, जिसमें सिर्फ हम ह्यूमन की स्टडी करते हैं। अगर हम अगर उसकी फिजियोलॉजी भी देखें तो सिर्फ ह्यूमन की फिजियोलॉजी की हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी करें तो इसके अंदर हम टिश्यू है तो टिश्यू जो ह्यूमन के अंदर होता है उनकी स्टडी करेंगे, सेल है जो ह्यूमन के अंदर होता है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी, यानी ईच एंड एवरीथिंग हमने ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी है तो उसमें भी हम ह्यूमन की डिस्कशन करनी होती है। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। सोशल का मतलब होता है कि चेंज, सोशल का मतलब कि दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी एक इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाना वो चेंजिंग आ जाना, बिहेवियर के अंदर चेंजिंग आना। जैसा कि हम पंजाब में जाते हैं तो हमारा बिहेवियर और होगा, सिंध वाले लोगों का बिहेवियर और होगा, खैबर पख्तून वाले इलाकों में जो रहते हैं वो बिहेवियर और होगा। तो इस ये सोशल बायोलॉजी के अंदर आता है। अब लास्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन अप्लाई टेक्निक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऐसी टेक्निक को यूज करते हैं जो इंसानियत के लिए फायदेमंद साबित हो। दैट्स एंड नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट टॉपिक के साथ।